बैकग्राउंड डांसर से बी टाउन की क्वीन बनने तक दीपिका पादुकोण ने अपनी पहचान हासिल करने के लिए इंडस्ट्री में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने साल 2007 में अपना डेब्यू किया, वो भी शाहरुख खान के ऑपोजिट। ओम शांति ओम उनकी किस्मत बदलने वाली तो रही, लेकिन इसके लिए उन्हें तारीफें कम और ट्रोलिंग ज्यादा मिली। दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम उस साल की हिट फिल्मों में शुमार थी, लेकिन एक्ट्रेस को अपनी परफॉर्मेंस के लिए मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी। हाल ही में दीपिका ने बताया कि उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया था। एक बात तो उनके दिल में ऐसी चुभ गई थी कि उन्होंने खुद से उसे बदलने का वादा कर लिया था। एंड आई रिमेम्बर एग्जैक्टली लाइक योर जर्नी, आई रिमेम्बर वन bad, of course there were, I mean there were quite a few bad reviews, but I specifically remember this one bad review, and I think it's that sort of pushed me and prompted me to work on myself. And you know, it spoke about my accent, it spoke about my diction, it spoke about my talent and my capabilities. And I think